लाली ने उसको रिप्लेस किया है, घर आ गए हैं और जितनी ट्रेनिंग उसकी हुई थी वो सब फेल हो गई है बिल्कुल। वो उससे ना चला जा रहा है ऐसे, ना बोले जा रहा है। So, वो अच्छा जो दाढ़ी वाला बच्चा था, वो दाढ़ी वाला बच्चा वो दाढ़ी वाला बच्चा है वो कमाल है बच्चा है, लेकिन दाढ़ी है उसकी। नादिया, सीधी सीधी बात है, खिचड़े का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी। मुझे इतना मज़े का लगा ये जुमला, जैसा खिचड़े का बच्चा, एक एक जुमला इस एपिसोड का जो हमने देखे हैं वो अमेजिंग, हमने 10 देखे रादर। तो मैं आपको ये बताऊं, जीवन अगर जो है इज अ मास्टरपीस ऑफ वेरी इंटेलिजेंट कॉमेडी, और मैं बड़े दिनों बाद ऐसा हंसी हूँ कि क्या बताएं। ऑफ देयर वाज अ लाइन के ऐसी ऐसी लाइन, खिचड़ा देखो के मूछों वाला खुसरा और क्लीन शेव मौलवी कभी हिट नहीं होता। सुहेल अहमद ने जिस तरह कर दी है ना ये कॉमेडी, कोई मेरे दुनिया में ऐसे नहीं कर सकता था। ऐसे डायलॉग जिस तरह से बोले उनका, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, और पता चल रहा है कि जो लाली है वो बब्बर शाह के अंदर से फट फट के निकल रहे हैं। जीवन नगर जो है ना अभी इस वक्त अपने बेस्ट बेस्ट फेज में है, एब्सोल्युटली है ना। अब जब से ड्रामा शुरू हुआ है तो फर्स्ट एपिसोड इनफैक्ट मुझे तो कुछ पसंद भी नहीं आया था, लेकिन अब जब से बब्बर शाह को शूट किया उन्होंने, अब मारा पता नहीं, मैं इतनी मुझे इतनी डिस्टर्ब थी बिकॉज आई वॉज रियली लाइकिंग हिम। और वो राबिया भट्ट का ना रोमांस अब शुरू हो रहा था है ना, और उसको उसने ले भी दिया कि चलो एनिमल सेंचुरी तुम्हें बना देता हूँ, इतनी प्यारी सी जगह। उसको ना दारा खोता भी पसंद आ गया, द डोंकी, वो बहुत क्यूट सीन था उसके साथ। हाँ। के बैठ के देखो स्माइल भी करता है, ये मुझे रखना है, मुझे इसको रेस्क्यू करना है, तो वो उसकी हर बात मान रहा है। तो जब उनका भी ट्रैक शुरू होने लगा रोमांस का, उसके ऊपर गोलियाँ चल गई, और वो अब आई होप कि इज़ नॉट डेड। मुलाकात थी उन दोनों की जब वो जा रहा होता है गोली मारने से पहले, और जो राबिया बात करती है उससे, और वो कितनी प्यारी लग रही थी वहाँ, उसको कह फिर वो तो कॉम्प्लीमेंट बाद में मिलते हैं आपके, वो भी जो गोटे किनारी वाला सूट था बड़ा प्यारा था। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ, मैं कहा इसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन सीन बड़े क्लियरली कह रहा है कि मार दिया प्लस्तर ने। थोड़ा सा कोई रखते ना एक के डाउट, बट देर इज़ नो डाउट, अगर बच गया होगा तो बहुत ही अजीब बात होगी, क्योंकि उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। एनीवेज अब लाली ने उसको रिप्लेस किया है, घर आ गया है, और जितनी ट्रेनिंग उसकी हुई थी वो सब फेल हो गई है बिल्कुल। वो उससे ना चला जा रहा है ऐसे, ना बोले जा रहा है सब, और साथ में एक जो दूसरे सितम देखें कि दूसरे ख्वाजा सरा आ गए। हाय, अब उनको देख के जो उसको तड़प हुई ना, अच्छा तुम तो उस खानदान के हो, अच्छा तुम तो उस फैमिली, वो जो नाजनीन के, नाजनीन के तो वो फैमिली, और वो सारा उसका जिन्हें सब जो भी होता है, जिन्हें सब कहते हैं सारा शजरा नसब पता है उसको, सारा उनका बैकग्राउंड, फलाने की चेली थी उसकी, उनको खाने खिला रहे हैं, नाश्ते बन रहे हैं। मुझे लग रहा है इनके साथ ही अब जो है ना ये कोई प्लान बनाएगा, बिकॉज उसको एक बड़ी अच्छी टिप दे दी है साकिब समीर ने कि भाई अपनी जरूरत बन के रहो, जरूरत पूरी ना करो। सो नाउ ही मस्ट बी नोस कि ये मुझे मार देंगे, तो वो अब कोई प्लान बनाएगा। और इतना प्यारा था उनका, उसका और साकिब समीर का डांस मत भूलिएगा, और जो ये दुपट्टा पहन के वो जो उसने पोजिंग की है ना, और ये वाला, और वो जब उसके लिए मेकअप लेके आता है, वो लिपस्टिक जैसे लगाता है, और वो और फिर अपनी मूछें देखता है, फिर लिपस्टिक लगाता है, फिर और पीच पैलेट जिस तरह उसने, अब क्या हुआ इसको, उसने मेरे ख्याल साकिब को समझा दिया कि रात को ना मुझे मेकअप करने दो। तो वो 11 बजे का टाइम जो एक सिक्लूडेड टाइम था उसका, बब्बर शाह का, अब वो ये उस वक्त मेकअप हो रहा होता है उस वक्त कमरे में। तो इमोजी दिखा, बहुत बहुत मजे के एपिसोड्स थे। बाबू भाई आई मस्ट मेंशन, ही वाज अमेजिंग। साकिब की जो हंसी है साकिब समीर की जब वो एक्सपोज होता है, एंड इट वॉज सो अनप्रडिक्टेबल जो हुआ है, मुझे कन्फर्म पता था कि ये जो है ना ये पकड़ा जाएगा, अब इसको एक्सपोज करेगा। फिर मैंने कहा ये लाली क्या करेगा, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो बाबू भाई पे सारा ब्लेम लगा देगा कि ये गद्दार है। और एक चीज़ मुझे क्या लग रहा है कि आगे अब बाबू भाई क्या करेगा, आई थिंक ये उसके जो चेलों में नहीं साकिब समीर से मिलता है उसको लाएगा इसकी जगह। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आगे इमोजी दिखाएं, मुझे लग रही है और बहुत सारी बातें। How will Babu get to that place? But ये मुझे लग रहा है। Interesting. Very nice. Analysis. Two thumbs up. मैं इसलिए कहती हूँ अच्छे ड्रामे का हर सीन अच्छा होता है, क्योंकि ये सेल्फ क्रिएटेड है, कुदरती तो नहीं बन गया, बनाना पड़ता है, मकसद यही है। और एक अच्छे ड्रामे में हर एपिसोड और तकरीबन सारे सीन्स अच्छे हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। जीवन अगर के एपिसोड ये एग्जाम्पल हैं, हालांकि फोकस इज ऑन लाली गैंगस्टर्स,
बट एट द सेम टाइम आप बाकी ट्रैक्स देखें और कितनी मज़े की उनकी स्टोरी जा रही है, कहीं नहीं होता कि वो जब ट्रैक आता है तो आप कहते हैं उफ बैक टू लाली आ जाए, नहीं। निदा यासिर, निदा यासिर का देखें जरा क्या हाल हुआ है, फैजान ने कैसे रिफ्ट क्रिएट कर दी उसको, चपली चपली कह के हम चपली के बड़े अच्छे होते हैं, आपको तो पता ही है आप तो क्या चपली बनाते हैं। निदा यासिर, हाँ, वो यासिर लड़की का नाम निदा है, लड़के का नाम है यासिर, तो मैं निदा यासिर ही कहती हूँ। उसने क्या उस लड़के ने जो चपली चपली बोला है ना, मुझे लगा चप्पल उठा के मारेंगे मुझे, मुझे गुस्सा आ रहा था। और जैसे ही लेकिन कितने मजे की चीज है जब वो ताया से बदतमीजी करके उठ के जाता है, गुनगुनाता हुआ जब जाता है, जब लड़के जवान फेयरलेस हो जाए ना फैमिली से, वो बागीपन, वो तो मतलब सिचुएशन, लाइंस और एक्टर, तीनों चीजें बिल्कुल सॉलिड, तो इसलिए सीन्स इतने अच्छे हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो लिखा हुआ कितना अच्छा था, वो कुछ और भी हो सकता था कि उसको गुर्बत का ताना देता या बदतमीजी करता, नहीं वो उसकी चपली के पीछे हाँ तो आपको तो पता होगा क्या चपली कबाब बनाते हैं, क्या चपली चपली कह के चाचा को तपा दिया चाचा चपली को, कि यासिर भी तप गया। क्या निदा के बाप को अच्छा लगने लगा यासिर जो उसकी साइड ले रहा है, एंड ही वांट्स दिस शादी टू हैपन, बाप तो चाह रहा है, अब चाह रहा है, निदा का बाप चाह रहा है, पहले तो वो खिलाफ था ना बहुत ज्यादा, पहले नहीं था वो, हो गया अच्छा, सारे खानदान में बात हो गई, सारी चीजें हो गई, अब ही इज ओके, उसकी बीवी भी ओके, वो जो दूसरी फैमिली है ना, जो लड़का दूसरा जो है कमीना लड़का जो फैजान, हाँ उसको अभी तक है फैजान, फैजान तो बाप अच्छा, मैंने मुझे उसमें वो नहीं समझ आई कि बाप अब फेवर में आ गया तो ठीक है, तो इतनी अच्छी एक्टिंग और वो ट्रैक कितना संभला हुआ है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं फकीरा भाई जो है, फकीरा का मतलब आउट ऑफ नोवेयर राइटर ने सोचा कैसे कि इसको गोल्ड दे देते हैं, उससे वो कहानी उनकी इतनी पावरफुल होगी। इसकी बेटियों की कितनी अच्छी एक्टिंग है, खासतौर पे छोटी बेटी इज अमेजिंग, शी इज सच अ गुड एक्टर। तो और जो बिरयानी लंगर की आ रही है, वो खा रहे हैं आज सही नहीं है बिरयानी, नहीं नहीं भाई सबर शुक्र करके खाओ, और आइडिया आ रहा है बाप कहते अब तूने आइडिया कर बहुत बहुत अच्छा सीन है वो, कितना मजे का ट्रैच है। उसमें सबसे प्यारी बात जो पीछे बोरियां पड़ी हुई है ना कचरे की और चीजों की, और हर वक्त कचरा साफ ही कर रहे होते हैं, मुझे राइटिंग की अच्छी बात ये लगी। ये मैंने चीज देखी थी, आप लोगों को याद हो उस वक्त भैया जी तो नहीं थी, हमने हीर द हीरो किया था, उसमें हर ट्रैक अच्छा लिखा हुआ था, जिसका डायलॉग आता था मजे का था। इसमें भी अवैस अहमद ने जो लिखा है ना हर एक का, चाहे वो बच्चा और जो राबिया भट्ट का दाढ़ी वाला बच्चा था, वो दाढ़ी वाला बच्चा वो दाढ़ी वाला बच्चा है, वो कमाल है बच्चा है लेकिन दाढ़ी है उसकी, उसी वजह से हार्मोन्स बहुत एक्टिव चल रहे हैं। लेकिन वो कितना अच्छा वो गुस्से के बाद जिसने उसने समझाया है, तो मैंने मुझे लगा कि वाकई ऐसे ही समझाना चाहिए कि दिस इज नॉर्मल, बट ये रिश्ता, और देखो उसके बाद वो ठंडा हो गया, ठीक हो गया कि भाई सही है कोई बात नहीं, वाकई मेरी फ्रेंड ही तो है। बट नंबर्स राइटिंग के, फिर हम डायरेक्शन, राइटिंग एवरी सीन, एवरी जुमला डायलॉग वाज आउटस्टैंडिंग, लग रहा था दिल से लिखा है, सोच के लिखा है। सुहेल अहमद के जुमले मैं फिर भी कहती हूँ उन्होंने ऐड किया होगा, बट फिर बाकी ट्रैक्स इतने खूबसूरत और मज़े के हैं, तो द राइटर इज हैज इम्प्रेस्ड मी सो मच, फुल मार्क्स 10 फॉर हिम, आई लव दिस, वेल डन अवेस अहमद, शाबाश।